हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। हमारे चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो आज हम पनीर की सब्ज़ी बनाने जा रहे हैं, शाही पनीर। जो यहाँ पे लिया मैंने आधा किलो पनीर और प्याज, लहसुन, अदरक और टमाटर। और यहाँ पे लिया मैंने सारे खड़े मसाले, जैसे छोटी इलायची, बड़ी इलायची, तेज़पत्ता, दालचीनी और जीरा और लौंग। और ये है कश्मीरी लाल मिर्च। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे घी गर्म हो चुका है तो हम इसमें डाल रहे हैं सारे खड़े मसाले। यहाँ पे देखिए सारे मसाले हो चुके हैं तो हम इसमें डाल रहे हैं टमाटर, प्याज, अदरक और लहसुन। इसमें हम डाल देंगे नमक। तो यहाँ पे मैंने डाल दिया है नमक और लहसुन भी डाल दिया। इसको हम इसको हम ढक देते हैं ताकि जो टमाटर और प्याज है वो थोड़ा सॉफ्ट हो जाए। तो इसको हम 2 मिनट के लिए ढक रहे हैं। सोचिए 2 मिनट हो गया है, इसको खोल के देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए थोड़ा सारा पानी खोल दिया और टमाटर भी सॉफ्ट हो गया है। तो अभी हम गैस को कर दे रहे हैं और तो यहाँ पे मैंने इसको ठंडा होने के लिए रख दिया है, 5 मिनट ठंडा हो जाए। तो यहाँ पे ये ठंडा हो चुका है तो इसको हम पीस लेते हैं। तो यहाँ पे रख दिया मैंने कढ़ाई, और कढ़ाई में मैंने डाला है बटर। गैस को एकदम धीरे करके, मतलब जब गर्म हो जाए एकदम धीरे करके इसमें डाल देना है थोड़ी सी कश्मीरी लाल मिर्च, और तुरंत भी डाल देना है जो पीसे थे मसाला। तो इसको मसाले को भून लेना है 4 से 5 मिनट तक। वैसे ज़्यादा नहीं भूनना है क्योंकि ऑलरेडी हम इसको टमाटर के आज तक मतलब भून चुके थे। तो इसमें और कोई मसाला ऐड नहीं करना है। आप लोग अगर चाहो तो ऐड कर सकते हो, बट हम और कोई मसाला नहीं ऐड करते इसमें। तो मसाले को पहले अच्छे से भून लेंगे। कुछ भी है इसको हमने भर दिया है डाल दे रहे हैं थोड़ा सा क्रीम। अगर आप लोग के पास घर का क्रीम है तो घर का ही फ्रेश डालिए, वरना मार्केट वाला भी डाल सकते हो। तो यहाँ पे घर का ही मलाई डाल रहे हैं। मिक्स कर लेंगे। तो यहाँ पे देखिए इसको अच्छे से मिक्स कर लिया है। यहाँ पे लगभग मैंने 2 से 2.5 चम्मच क्रीम डाल दिया है। तो यहाँ पे हम डाल रहे हैं 1 गवा पानी। देखिए तो यहाँ पे देखिए तब वाला तरी है। तो इसको उबाल आने तक उबाल लेते हैं।
तो यहाँ पे हमने डाल दिया थोड़ी सी कसूरी मेथी, देखिए उबाल आ चुका है, तो इसको 5 मिनट ऐसे पका लेंगे। तो यहाँ पे हम डाल रहे हैं पनीर, हम पनीर कच्चा ही डाल रहे हैं, आप लोग चाहो तो थोड़ा सा फ्राई भी कर सकते हो। पनीर के साथ भी इसको 2 मिनट के लिए पका लेंगे। यहाँ पे देखिए हमारी सब्जी बन चुकी है, रेडी हो चुकी है, तरी भी देखिए इसकी ठीक हो चुकी है। तो हम गैस को करते हैं ऑन। यहाँ देखिए यहाँ पर फ्राई पनीर बन के एकदम रेस्टोरेंट स्टाइल हो गए तैयार। तो मेरी वीडियो अगर आप लोग को अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना। मिलती है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।